लंदन में होगा धोनी के भविष्य का फैसला। क्या धोनी लेने वाले हैं आईपीएल से संन्यास? आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद धोनी रांची लौट चुके हैं। इस बार पिछले साल की चैंपियन टीम प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। और अब धोनी को लेकर एक बड़ी खबर ये भी है कि वो जल्द लंदन जा सकते हैं। धोनी के घुटनों में इंजरी है और वो पूरे आईपीएल इसी चोट के साथ खेले, लेकिन अब वो लंदन जाकर सर्जरी करा सकते हैं और इसके बाद ही वो आईपीएल में अपने भविष्य को लेकर फैसला लेंगे। धोनी अगले सीजन में खेलेंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। सीएसके मैनेजमेंट भी कह चुका है कि धोनी इन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करते, लेकिन इन सब के बीच धोनी ने इतनी बड़ी बात कह दी है जिसका असर उनके चाहने वालों पर भी होना तय है। धोनी ने दुबई आई 103.8 से कहा, महेंद्र सिंह धोनी दिल से, एक लीडर के तौर पे आपको इज्जत कमानी पड़ी है। आप लोगों को आदेश देकर इज्जत हासिल नहीं कर सकते, इज्जत आपको कमानी ही होगी। आपको उदाहरण देकर खुद को साबित करना होता है। कामयाबी के वक्त तो आप बता सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो वो मौका होता है जब आपके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। वो समय होता है जब आप इज्जत हासिल कर सकते हैं। धोनी ने सीएसके से अपने रिश्तों पर भी दिल को छू लेने वाली बात कही। धोनी ने कहा, मेरा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इमोशनल रिश्ता है। ये ऐसा नहीं है कि प्लेयर खेलने आया, कुछ महीने खेला और चला गया। हम खेल में प्रोफेशनल होने की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चलता। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम प्रोफेशनल होने के साथ साथ इमोशनल भी होते हैं। हमारा किसी भी टीम या इंसान से एक इमोशनल रिश्ता बन जाता है। इमोशनल कनेक्शन ही मेरी ताकत है। धोनी ने ना सिर्फ अपने खेल से बल्कि अपनी बातों से भी सबके दिलों को जीतते रहे। उनकी अपने खेल से संन्यास जाहिर तौर पर उनके चाहने वालों के लिए बड़ा झटका होगा।